Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Professional ethics, the computer science atom semester is run down. The para munga discuss ko. Nununga payobal lecture ki wom number lecture ki haziri. Pade lecture ki chikam da nunga anan professional competence. Audage sarasara lifelong learning. Matlab munga dawai ki competency si shede, competency shede, professional competency shede. او لائف لانگ لرننگ مطلب دا چی لرننگ بمونگا کلا کو کلا و لرننگ مونگا سٹاپ کو ٹھیک دا نو پروفیشنل کمپیٹنسی یا پروفیشنل کمپیٹنس او لائف لانگ لرننگ بڈسکس کو نو پروفیشنل کمپیٹنس بنن دا لیکچر کی مونگا انشاءاللہ کو دا ٹول نمخ کی مونگا تدا خبر کلیر بکار دا چی کمپیٹنس سی شیر ہے وات اس کمپیٹنس No, we have different qualities and abilities. The scar kawalo chi kam potential vi, kam taqat vi. Ta da har chayo shan nai. Zani sada dher kar kawale shi, zani sada lag kar kawale shi. No, da dit ta competence vi. Munga wai plan ka sada gore competent sada dhe. Matlab da chaga da mokabile wala sada dhe mokabila kawale shi. Matlab aga da balba mokabile ki khakar kawale shi. او دا کمپیٹنس چې کوم دی دا مونږ دا وایو چې هر پلان کې سره الله تعالی خپې دا کړی نه الله تعالی خپې دی الله تعالی اگر چی پکې وی کوالټیز پکې دي خو زیات تر پروفیشنل دا کمپیٹنس چې کوم دی پروفیشنل کمپیٹنس دا زموږ پر ډیپند دی کوم غواړو خپل خپل کمپیٹنس جوړولای شو کوم غواړو موږ خپل کمپیٹنس څه کولای شو کمزور یې کولای شو بس خاري ما په پښتو کې شروع کړم لیټ می سوئچ ټو اردو پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے وی ہیو ڈیفرنٹ کوالٹیز ڈیفرنٹ ایبیلیٹیز तो जो हमारे पास जो प्रोफेशनल हमारी कॉम्पिटेंसी है इसको हम खुद बना सकते हैं अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया हुआ है हमें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दी है हमें स्किल्स भी दी है अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी कॉम्पिटेंस को बिल्ड करें या बिल्ड ना करें या लेट सपोज एक आप लोग स्टूडेंट्स हो आप लोग कॉलेज आते हो एक बंदा है वो प्रोग्रामिंग भी सीखता है वो मैथमेटिक्स भी सीखता है वो लेट सपोज कम्युनिकेशन भी सीख रहा है तो वो अपनी कॉम्पिटेंसी अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बढ़ा रहा है अब इसके मुकाबले में दूसरा लड़का है वो न प्रोग्रामिंग सीख रहा है न मैथमेटिक्स सीख रहा है न कम्युनिकेशन सीख रहा है तो वो क्या कर रहा है वो अपनी कॉम्पिटेंसी अब वो खुद नहीं सीख रहा तो इसमें मतलब ये नहीं कर सकते कि इसको बंदा ने इसको अल्लाह ने क्या किया हुआ है कॉम्पिटेंट पैदा किया हुआ है ठीक है तो ये बात गलत है हम खुद अपनी कॉम्पिटेंस अपनी एबिलिटीज को क्रिएट कर सकते हैं तो कॉम्पिटेंसी क्या है क्वालिटीज एंड एबिलिटीज और द वे वी ग्रो देम इन्फ्लुएंस आवर फ्यूचर जितना हम इन इस कॉम्पिटेंसी को ग्रो करेंगे इतना हमारा फ्यूचर क्या होगा इन्फ्लुएंशियल होगा वी ऑल हैव अ पोटेंशियल विच कैन बी एक्सप्लोर्ड एंड डिवेलप हर में पोटेंशियल है हर बंदे में पोटेंशियल है उसको हमें क्या करना चाहिए एक्सप्लोर करना चाहिए कि हर बंदे को अपने आप में तलाश करना चाहिए कि मुझ में कौन सी एबिलिटीज है कौन सी मेरी क्वालिटीज है और कौन सी क्वालिटीज को मैं डिवेलप कर सकता हूँ मतलब स्ट्रांग कर सकता हूँ सो दैट वी कैन गेट वियर वी वॉन्ट ताकि हम वहां पहुंच सके जहां हम पहुंचना चाहते हैं ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड कॉम्पिटेंस तो कॉम्पिटेंस में हमारे पास मुख्तलिफ चीजें रिक्वायर्ड होती है कॉम्पिटेंस में एक्सपीरियंस है नॉलेज है एबिलिटीज है एटीट्यूड है और बिहेवियर हमारे पास एक्सपीरियंस हो तो हम कहते हैं कि हम कॉम्पिटेंट या किसी बंदे के पास किसी फील्ड का एक्सपीरियंस हो तो हम कहते हैं कि वो इस फील्ड में कॉम्पिटेंट है या उसमें उस फील्ड की कॉम्पिटेंसी है किसी बंदे में उस किसी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज हो तो हम कहते हैं उसमें कॉम्पिटेंसी है या उसमें किसी काम करने की एबिलिटीज हो लेट सपोज एक बंदा है मुझे प्रोग्रामर चाहिए और एक बंदे में प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटीज एबिलिटीज है तो मैं कहता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग में कॉम्पिटेंट है एक बंदे का एटीट्यूड ऐसा हो कि वो काम करने का लायक हो या उसका एटीट्यूड ऐसा हो कि वो कंपनी को या मेरे डिपार्टमेंट को वो आगे ले जा सकता है लेट सपोज कोई बंदा ऐसे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा काबिल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नॉलेजबल हो लेकिन उसका एटीट्यूड क्या हो हर दूसरे दिन हर बात पे लड़ाई हर बात पे गाली गलौज तो वो भी मैं कहता हूँ कि इसका मतलब इसकी कॉम्पिटेंस नहीं है ठीक है या उसका बिहेवियर ठीक नहीं हो लोगों के साथ तो मैं कहता हूँ ये कॉम्पिटेंट नहीं है भले उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंस है अब कॉम्पिटेंस जो है हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की तरफ आते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब किसी खास प्रोफेशन में
कॉम्पिटेंस क्या है? तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो तीन किस्म के हैं। एक है हमारे पास जेनेरिक या बेस कॉम्पिटेंस, दूसरा हमारे पास फंक्शनल या टेक्निकल कॉम्पिटेंस, और तीसरा हमारे पास मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। तो जनरल कॉम्पिटेंस क्या है कि अप्लाई टू जनरल लेवल आर यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल किसी बंदी के पास कम्युनिकेशन स्किल हो, या किसी के पास एग्जीक्यूशन हो, या कोई बंदा जो है टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह हर जगह पर इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास वेब सोर्सेज का ज़्यादा पता है, उसके पास इंटरनेट सोर्सेज का यूज़ वो ज़्यादा करता है और अच्छी तरह कर सकता है, तो ये उसका जनरिक क्या हो गया, कॉम्पिटेंसी हो गई। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, गुड बिहेवियर हो गया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये हो गया हमारे पास जेनेरिक कॉम्पिटेंस। दूसरा है हमारे पास फंक्शनल या टेक्निकल कॉम्पिटेंस। फंक्शनल या टेक्निकल कॉम्पिटेंस हमारे पास स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक टू ऑक्यूपेशन। जो बंदा जिस फील्ड के लिए चाहिए उसके पास जो उस स्पेसिफिक फील्ड का की जो नॉलेज है उसको हम प्रोफेशनल या फंक्शनल कॉम्पिटेंस या टेक्निकल कॉम्पिटेंस कहते हैं। लेट सपोज मुझे कंप्यूटर की फील्ड में, या लेट सपोज मुझे सॉफ्टवेयर हाउस के लिए बंदा चाहिए प्रोग्रामर, तो मैं मुझे जो सारे लोग आएंगे वो प्रोग्रामर्स होंगे, लेकिन मैं उस बंदे को लूंगा जो प्रोग्रामिंग में स्पेशलिस्ट हो, तो ये उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगा। अब लेट सपोज इंटरव्यू के लिए पांच बंदे आएंगे, तो पांच के पांचों प्रोग्रामर्स होंगे, लेकिन मुझे उनमें वो बंदा चाहिए जिसकी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, प्रोग्रामिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, प्रोग्रामिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, तो उसको मैं उसको प्रोफेशनल या फंक्शनल कॉम्पिटेंस या टेक्निकल कॉम्पिटेंस कहते हैं। ठीक है, या लेट सपोज अकाउंटिंग की फील्ड में नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा हो, उसको डिफरेंट स्टेटिस्टिक को अप्लाई कर सकता है, या ड्राफ्टिंग ऑडिट रिपोर्ट को अच्छी तरह वो ड्राफ्ट कर सकता है, तो ये उसकी फंक्शनल या टेक्निकल कॉम्पिटेंस हो गया। तीसरा जो है मैनेजरियल कॉम्पिटेंस ये है कि बंदा मैनेजमेंट कैसे करता है, बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं। तो कभी कभार हमें टेक्निकल कॉम्पिटेंस के साथ साथ मैनेजरियल कॉम्पिटेंस भी चाहिए होता है। लेट सपोज हमारे क्लास में हम क्या करते हैं, एक को सीआर बनाते हैं, तो सीआर का काम क्या होता है, एक किस्म की का लीडर होता है वो। तो मैनेजरियल कॉम्पिटेंस में कस्टमर सर्विस की कस्टमर को कैसे डील करेगा, लीडरशिप क्वालिटी उसमें है कि नहीं, प्लानिंग वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, मेंबर्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता, डेलीगेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये हमारे पास टीम लीडिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है, तो ये भी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की एक मतलब एक कंपोनेंट है या एक किस्म है। कॉम्पिटेंस आर क्लियरली डिफाइंड। हमारे पास जो कॉम्पिटेंस होता है इसको हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, क्लियरली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब कॉम्पिटेंस भला की कोई चीज़ है और किसी को नज़र नहीं आती। कॉम्पिटेंस हर किसी को नज़र आती है, जिसमें भी हो तो वो नज़र आ जाती है। लेट सपोज मैं क्लास में मुझे पता है कि कौन सा बंदा कितना पानी में है, कितना मतलब काम कर सकता है। लेट सपोज टीम के प्लेयर्स होते हैं, हर टीम में लेट सपोज पाकिस्तान की टीम में 11 प्लेयर्स है, तो हमें पता है कि कौन सा बंदा कितना कॉम्पिटेंट है, कितना वो पाकिस्तानी टीम के लिए वो क्या है, फायदेमंद है। अच्छा, ये बंदा लिखता है कि कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेशन टू टीम एक्टिविटीज, एक बंदा है वो कि टीम एक्टिविटीज में कॉन्स्टेंटली हिस्सा ले रहा है, ओपन है, सजेशंस देता है, न्यू आइडियाज क्रिएट करता है, अपने काम से कमिटेड है और दूसरों को इनकरेज करता है, तो और आइडियाज को शेयर करता है, तो हम तो अभी क्लियर बात है कि वो बंदा क्या है, कॉम्पिटेंट है। उसके मुकाबले में एक बंदा है वो न एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है, न उसके पास कोई आइडिया होता है, न वो अपने काम से मुखलिस है, न दूसरों को इनकरेज कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो हमारे पास वो नहीं हुआ ना, कॉम्पिटेंट नहीं हुआ। तो कॉम्पिटेंस जो है उसको हम एचआर में भी यूज कर सकते हैं। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस मतलब जब हम जजमेंट करते हैं या रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, जॉब डिजाइन करते वक्त हम लोगों को हायर करते हैं, या लेट सपोज ट्रेनिंग करते हैं, या लेट सपोज डेवलपमेंट कोई परफॉर्मेंस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें भी किसी बंदे के कॉम्पिटेंस हम बरकरार ला सकते हैं। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हमारे पास द एबिलिटी टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ वन प्रोफेशन, जनरली द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ वन्स
प्रोफेशन जनरली, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है कि जब हम किसी प्रोफेशन में जनरली किसी की ड्यूटी को क्या करते हैं, जब हम किसी प्रोफेशन में ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं तो उसको प्रोफेशनल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो प्रोफेशन पर्टिकुलर टास्क भी हो सकता है, जनरल स्किल्स भी हो सकते हैं, उसमें नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन पर्टिकुलर फील्ड। किसी खास फील्ड में जो है एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस और स्किल्स ये टेस्ट किया जाता है किसी बंदी के कॉम्पिटेंस को टेस्ट करने के लिए, ये बंदी ये चीजें टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी यही बात दोबारा लिखी गई है दूसरे अल्फाज में। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस किसी बंदी में होगी जिसके पास नॉलेज हो, उसके पास स्किल्स हो, साथ साथ एटीट्यूड और बिहेवियर हो, और वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज की तीन किस्म है, एक को हम मॉरल वैल्यूज कहते हैं, एक को एक सिंपल वैल्यू, एक को हम एथिक्स कहते हैं। तो ये तीन किस्में जो है वो मॉरल, मॉरल में हमारे पास आता है कि हम कौन सी चीज़ जो ये पहले से डिफाइन होता है, मॉरल जो है हमारी सोसाइटी में पहले से डिफाइन है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। या लेट्स सपोज करप्शन हो गया, क्राइम हो गया, तो उसको अगर बंदा प्री डिफाइन चीज़ों को समझ सकता है, कौन सी चीज़ करप्शन है उसको नहीं कर रहा, कौन सी चीज़ क्राइम है उसको नहीं कर रहा, कौन सी चीज़ ठीक है उसको कर रहा है। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज किसी बंदे के अपने अंदर की चीज़ है, ठीक है, वो अपने अंदर सोचता है और चीज़ों को इंटरप्रिट करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रोमोटिंग वेल बींग और प्रिवेंट हार्म, अपने सोच के मुताबिक वो फैसला करता है कि कौन सी चीज़ मुझे करनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेट सपोज वो बंदा है, लेट सपोज वो कहता है कि मैं मुझे प्रिंसिपल साहब के साथ फलां टाइम पे मिलना चाहिए, फलां टाइम पे मुझे प्रिंसिपल के साथ हाथ मिलाना चाहिए, पुराना टाइम पे मुझे प्रिंसिपल के साथ गले मिलना चाहिए, पुराना टाइम पे मुझे प्रिंसिपल से दूर रहना चाहिए। तो ये बंदा अपने पर्सनल थिंकिंग पे क्या करता है, डिसीजन करता है और वो राइट और रॉन्ग को डिसाइड करता है। तो ये इसको वैल्यूज कहते हैं। और एथिक्स जो है वो तो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो तो आप लोगों को पता है कि कौन सी चीज मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं उस पर चलने को कहते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हमारे पास स्किल्स है, इसमें टीम वर्क, रिस्पांसिबिलिटी, कमिटमेंट टू कैरियर, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ये सारी चीज़ें हमें मिला के हमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मिलता है, ठीक है। कॉम्पिटेंस आर क्वालिटीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन बिलीव आर डिजायरेबल। हमारे पास जो कॉम्पिटेंस है ये हमारे पास बिलीव्स, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनके लोग जो हो वो कॉम्पिटेंट हो। क्यों ये इंटरव्यूज और डिमॉन्स्ट्रेशन और ये टेस्ट और वगैरह रखे जाते हैं? ये इसलिए कि जो बंदा डिपार्टमेंट में आए वो कॉम्पिटेंट हो, उसमें रिस्पांसिबिलिटी, कमिटमेंट, टीम वर्क, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें हो, ठीक है। तो जो कॉम्पिटेंस है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर होता है। फॉर एग्जाम्पल वन पॉपुलर कॉम्पिटेंसी इज टैलेंट इन हैंडलिंग इंटरपर्सनल रिलेशन। हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशन को हैंडल करना ये एक टैलेंट है जो हर किसी में नहीं होता, ठीक है। तो हर कोई चाहेगा कि उसके पास ऐसा बंदा हो जो हर किस्म के रिलेशंस को वो हैंडल कर सके। तो इस तरह एवरीवन इज यूनिक, वी आर इन कंपटीशन विद आवर सेल्फ्स टू बी बेटर एट व्हाट वी डू। हर कोई जो है वो यूनिक है, हम अपने आप के साथ भी कंपटीशन में है कि हम क्या करना चाहते हैं। डू यू नो वियर आर यू नाउ एंड वियर डू यू वांट टू गो। आपको पता है कि तुम आज किधर हो और कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। तो डू यू हैव द नेसेसरी कॉम्पिटेंस टू इवॉल्व, क्या तुम्हारे पास वो काबिलियत या वो कॉम्पिटेंस है कि तुम ग्रो कर सको। By developing our competence, we succeed too. जब हम अपनी competence को develop करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कामयाब हो सकते हैं कि learn and recognize, हम चीज़ों को समझ सके, उनको पहचान सके, resolve and develop, मसलों को हल करें, development करें, be initiative and create, lead and dream।
बी इंट्यूटिव एंड क्रिएट लीड एंड ड्रीम, तो क्या करें, इंट्यूटिव बने और ड्रीम्स को क्या करो, फॉलो करो और ड्रीम्स को पूरा करो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉम्पिटेंस। इसके आगे हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, ये आइंस्टाइन कहता है कि वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, जब आपने लर्निंग स्टॉप की तो आपने मरना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब मरने मरते दम तक आप लोगों ने सीखना चाहिए। एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, जब कोई बंदा लर्निंग को स्टॉप करता है तो वो बूढ़ा है फिर। वट एवर वेदर एट 20 or 80, अगर बंदा 20 में है लेकिन उसने लर्निंग स्टॉप की तो वो क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग, जो बंदा, ये हेनरी फोर्ड एक बंदा है वो लिखता है, एनीवन हु कीप्स लर्निंग, जो बंदा लर्निंग करता है तो वो यंग रहता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये बात है कि बी मैन यार, बी मैन ऑफ करेज, सीखो कुछ, कुछ करो। बंदा में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेहनत के बगैर एक काबिल और एक अच्छा इंसान बना हो। तो आप लोगों के लिए गुजारिश है कि आप लोग अपने काम पे, अपने स्टडी पे, अपनी लर्निंग पे ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये बाकिया हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।